बहुत मजा आया। इनफैक्ट मैं अभी वही बात कर रहा था कि ये इतना कैंडिड कॉन्वर्सेशन था राजीव मसंद सर के साथ एंड विद द होल ऑडियंस, और सब एस्पायरिंग एक्टर्स थे जिन्होंने जिनको यहाँ पे इंडस्ट्री का पार्ट होना है, अच्छा काम करना है, एंड दे आर पैशनेट अबाउट एक्टिंग एंड आई कुड रिलेट विद देम एंड दे कुड रिलेट विद मी। सो यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट बीइंग आउटसाइड द इंडस्ट्री एंड कमिंग हियर एंड हाउ them having no connections and how to, you know, मतलब एक how to have a path और कैसे उसमें आगे बढ़ें और कैसे वो, तो वो सारे interaction में बहुत मज़ा आया। I think अपने खुद के experiences share करने में मज़ा आया, राजीव सर के भी questions थे, सब बहुत फन एंड कैंडिड वे में ये पूरा इंटरेक्शन हुआ दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल में। ओके कैथी सर, ऐसे बहुत से जन आज जो भी थे, बहुत सारे आप पर्सनल आपसे बहुत जन इंस्पायर्ड है, आपकी जो जर्नी रही है अब तक की, सो आपकी कैसी जर्नी रही अभी तक की और किससे आप इंस्पायर्ड होते हैं इन रियल लाइफ? मैं शाहरुख सर की जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ हमेशा से एंड आई थिंक मैं ऑफकोर्स जैसे कि ये एक्टर्स एस्पायरिंग एक्टर्स जो आज जिनके साथ सबके साथ इंटरेक्शन किया उसमें मुझे काफ़ी एक अगेन एक इंस्पायरिंग मोमेंट भी था कि आई कुड हैव अ वर्ड विद देम, टॉक टू देम अबाउट माय ओन जर्नी एज वेल, तो वो एक और आगे बढ़ने के लिए खुद के लिए भी एक इंस्पायरिंग मोमेंट होता है कि और अच्छा करूँ एंड आई रियली एंजॉयड इंटरेक्टिंग विद देम एंड आई एम रियली ग्लैड। काजी सर रिसेंटली I am really happy and I'm really excited and I'm really looking forward to the shoot of Bhulbhulaiyaa 2. It's something which is again commercial massy and I really want to do something. I wanted to do something like that, which I'm doing in Bhulbhulaiyaa. Imtiaz sir's film has, it's something which has changed everything for me and it's something which I'm really looking forward to because it has the process has in itself changed a lot of my point of view in life and in life as well as my point of view towards acting. So I'm really looking forward. Security, security. Side, please.
रोलिंग ओके सो पाजी जागरण फिल्म फेस्टिवल से अभी जो हमने सुना बहुत ही स्पेशल रिश्ता है आपका बिकॉज मसान भी जो थी वो काफी कुछ यादें हैं सो एवरी टाइम व्हेन यू कम ऑन जागरण फिल्म फेस्टिवल इट्स लाइक कमिंग होम हां जी नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है मुझे जागरण मैं भी कह रहा था कि 2015 में जब मसान रिलीज हुई थी तो रिलीज से पहले जागरण फिल्म फेस्टिवल के थ्रू जो पहली स्क्रीनिंग हुई थी वो एट सिरी फोर्ट इन दिल्ली एंड पहली बार जो हमें एक भारतीय ऑडियंस ने देखा था हमारी फिल्म को हमारे काम को वॉज थ्रू जागरण फिल्म फेस्टिवल जो पहला अवार्ड मुझे मेरी एक्टिंग के लिए मिला है वॉज जागरण फिल्म फेस्टिवल दैट वेरी ईयर सो बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए JFF और 10 साल हो चुके हैं 10 ग्लोरियस साल हो चुके हैं और तब से लेके पिछले साल या पिछले टू पिछले साल भी मुझे हिस्सा बनना था मुझे बुलाया गया था बट शूटिंग के वजह से वो नहीं हो पा रहा था एंड फाइनली इस ईयर वो हो पाया सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टुडे ओके विक्की सर बहुत से ऐसे जो आर्ट एक्टर्स और इंस्पायरिंग आप जिसको इंस्पायर करते आए हैं सो क्या एक ऐसा मैसेज देने वाले जो उनको इंस्पायर करेंगे आगे जाकर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि होप ना छोड़ें और मेहनत करते रहें और मुझे जो एक चीज़ हेल्प की है बीइंग एन एक्टर जब मैं स्ट्रगल कर रहा था वॉज कि घर से बाहर निकलो लोगों से मिलो और बेधड़क बेशर्मी से बोलो कि मुझे एक्टिंग करनी है कई बार हम उसी से शर्मा जाते हैं बट बेधड़की से अपने सपने को फॉलो करो बाजी अरे ये तो मुझे लग रहा है कि कोई भी ऑनर बच्चन साहब को ऑनर करने के लिए वो हमेशा छोटा ही पड़ जाता है हालांकि मतलब दादा साहब फाल्के के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड अबाउट टाइम कि उन्हें ये ऑनर मिले सो वी वेरी हैप्पी आई थिंक इस देश के सारे राइटर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स आज के ज़माने के एक्टर्स सबको एक एक हार्टफेल्ट थैंक यू बोलना चाहिए उन्हें फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस विद विद द काइंड ऑफ वर्क ही इज डन एंड ही इज़ अ हीरो टू ऑल ऑफ अस हाँ जी वेरी डिजर्विंग इस साल की आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट फिल्म ऑफ माइंड एंड वेरी गुड स्टोरी लवली परफॉर्मेंसेज एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दे गेट दैट ट्रॉफी एंड इंडिया की एक टीम वहाँ पे स्टेज पे खड़ी हो भाजी भाजी जस्ट वन थिंग शहीद उधम सिंह जो फिल्म आ रही है इट्स रिलीजिंग द 2nd अक्टूबर नेक्स्ट ईयर हां जी हां जी बट सत्यमेव जयते 2 भी आज ही अनाउंस हुई है इट विल बी आल्सो रिलीज विद 2nd सो इट्स लाइक ऑलरेडी अ क्लैश एक आने वाला है What do you want to say about it? नहीं अच्छी बात है हमारे ये अच्छी बात है कि इस देश में इतना सिनेमा बनता है इतने पिक्चरें बनती हैं कि एक दिन पे एक नहीं एक दिन में पाँच पाँच छः छः फिल्में आती हैं विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द मेकर्स ऑल्सो बहुत अच्छी बात है एंड सी इवेंचुअली तो ऑडियंस हमारा हमारी किंग है हमारी क्वीन है वो जो सिलेक्ट करना चाहें वो उनकी पसंद है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा सिनेमा आता रहना चाहिए एंड चाहे वो 2nd अक्टूबर का अगले साल 2 साल है मैं 2 पिक्चरें मैं तो कह रहा हूँ और 5-6 आ जाएं और अच्छी फिल्में लोगों को देखने को मिले भूत हाँ जी भूत भूत अच्छी आ रही है अब 21 फरवरी को रिलीज हो रही है 2020 में पिछले मतलब इस साल जो शुरुआत हुई थी मेरी अच्छी हुई थी उरी से एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि अगले साल भी जो शुरुआत होगी फरवरी में भूत के साथ वो अच्छी होगी हाँ थोड़ा सा बोलिए सर सबसे पहले जानना चाहूँगी जागरण तो कई वर्षों से चल रहा है तो कई बार पहले भी आए हैं एक बार हमको लखनऊ जागरण फिल्म फेस्टिवल में बुलाया गया था कुछ बोलने के लिए इस बार एक्टर के तौर पर यहाँ आए हैं तो अच्छा लग रहा है अब आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो कीजिए तो, अब आज तो मुख्यतः चूँकि एक बहुत यंग डायरेक्टर हैं अंगद बाबा उन्होंने मुझे ये रोल करने के लिए कहा था तो मैं इसमें एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर की भूमिका में था जो अपने समय से और मीडिया से नाराज़ हो करके फिल्म बनाना छोड़ देता है और अपनी दुहिता मतलब अपनी बेटी की बेटी जो फिर से मीडिया में है उसके सिलसिले में दोबारा अपना कैरियर रिवाइव करता है और इसमें मीडिया की भूमिका बड़ी होनी चाहिए जागरण ये काम कर रहा है इस बात के लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़े धीरे धीरे और छोटे शहरों में भी जाए चाहे जैसे वो छोटे पहाड़ी स्थान हैं लाइक पुणे है या महाबलेश्वर है
मे बी लोनावला में तो कुछ होता रहता है, ऐसी और जगहों में जाए इसकी और ज़रूरत है। और साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि इन फेस्टिवल्स के साथ साथ कुछ लाइव काम होना चाहिए, लाइक सिंगर्स, चाहे टॉक्स, चाहे एक्टर्स वर्क, लाइव ड्रामा, सिंगिंग, ये सब मिक्स होना चाहिए। जिन सब से सिनेमा बनता है, वे जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं वो साथ करके मेला लगे तो कितना अच्छा हो, हालांकि वो उतना आसान नहीं होता। और जागरण बहुत एक अच्छा समाचार पत्र समूह है, मैं कई बार जागरण यहाँ वहाँ पढ़ता भी हूँ, यहाँ आना अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। कोई प्रश्न?